एक, uh, कहा जाता है that rich gets richer and the poor gets poorer. का मतलब है कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं सो इन कंट्री इंडिया ये ग्लोबल कॉन्टेक्स में भी शायद सही है लेकिन हमारी कंट्री पे बहुत ज्यादा अप्लाई होता है कि uh, अमीरों के पास और ज्यादा पैसा आता जा रहा है गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं तो जो, जो अमीर लोग हैं जो रिच लोग हैं इनको कौन सी ऐसी सीक्रेट सॉस पता है कौन सा ऐसा सीक्रेट मेथड पता है

क्योंकि पुराने बहुत पुराने साल जमाने में चीज होती थी हमारे पास ऐसे हैं पे शायद इस तरह की एक धारणा बन गई पता है कंपेयर नहीं करना चाहिए कर सर जैसे रिटर्न क्यों नहीं बना पा रहे साठ साल में दूसरा बफेट नहीं बन पाया तो आपको आउटलायर चाहे हो उनके साथ कंपेयर करना पहले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो हर किसी की जर्नी नहीं होती एक्जेक्टली एक हर्षद मेहता हुआ तो हमने पूरे स्टॉक मार्केट को बेकार बना दिया अरे भैया हर कोई हर्षद मेहता जैसा स्कैम करके नहीं जाएगा आते हैं आठ नौ साल में एक स्कैम आता है ठीक

माइंडसेट एक वीक माइंडसेट ये सारी चीजें करते हैं दूसरी सीजन के लिमिटिंग बिलीव्स नहीं होते हैं वाई बिकॉज दे नो कि

अगेन वी आर बोड फ्रॉम द बेस्ट कभी भी वेल्दी इंसान ये नहीं करता आपको पता है दुनिया के सबसे वेल्दी इंसान एक फैमिली और रॉस करके टू ट्रिलियन डॉलर के उनके कभी आपको मीडिया पे भी नहीं देखेंगे कहीं शो ऑफ नहीं कर रहे हैं लाइक्यू मैं अब जकब स्टीव जॉब शॉर्ट्स में पहन के चले जाते थे इधर उधर घूमते थे अच्छा आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपने देखा होगा कि रिच लोगों को ना घड़ियों का लग्जरी वॉचेस का बड़ा शौक है तो मैंने देखा मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं छोटे बेटे उनके पास अस्सी करोड़ की घड़ी है एट्टी करोड़ सब बोले अरे इनके तो, तो अंधा पैसा है तो पागल है इस तरह से लोगों ने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया डू नो पीपल बाई दी वॉचेस बिकॉज ये वॉचेस भी उनके इन्वेस्टमेंट है लग्जरी वॉचेस का प्राइस डिक्लाइन नहीं होता है एप्रिशिएट होता है वही अस्सी करोड़ की चीज आज से कुछ साल में डेढ़ करोड़ की हो जाएगी वन वो किसी अरब के बच्चे को जाके वो गिफ्ट गिफ्ट तो नहीं करेंगे उसको बेच देंगे वन करोड़ सेवेंटी करोड़ डायरेक्ट वहां पे प्रॉफिट है हम लोग सोचते हैं हमारी घड़ी तो सेम टाइम दिखा रही है उनकी घड़ी भी सेम टाइम दिखा रही है नो दैट इज द रीजन बट एक नॉर्मल इंसान रोलेक्स टू एस्पायर करता है वो सोचता है कि मैं भी महंगी

दो रीजन है पहली चीज है कि यॉट की पार्टी में मेगा यॉट की अगर पार्टी में भी आपको जाना है तो आपकी हैसियत होनी चाहिए कि आप एक दिन का एटलीस्ट सिक्स लाख रुपीज दे सको जो एक दिन का साठ लाख रुपए देकर उस यॉट में जाएगा उसकी हैसियत कितनी होगी तो बिजनेस डीलिंग उस लेवल की होगी दूसरी बात है इंटरनेशनल वाटर्स में अगर आपका यॉट रहता है तो आपके ऊपर इंटरनल एजेंसी अटैक नहीं कर सकती है उसको सीज नहीं कर सकती तो आज भी इंटरनेशनल वाटर्स में काफी सारे ऐसे मेगा यॉट्स हैं जिनके अंदर शायद दो बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे सौ बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे बिकॉज कल को आपके रेट बढ़ गई कुछ भी होगा तो आपका वो सेफ है तो वेल्दी पीपल आर नॉट हियर फॉर शो वो कोई भी चीज कर रहे हैं तो दैट इज अ मोटिव